सब्सक्राइब करो लिविंग पंजाब न्यूज चैनल नू, ते नाल ही बैल आइकॉन नू प्रेस करो लेटेस्ट न्यूज सब तो पहला देखन लई। कैबिनेट मंत्री अरुण चौधरी ने 10 नंबर वार्ड तो कांग्रेस पार्टी वालों चोन लड़ रहे डॉक्टर प्रदीप तुली दे दफ्तर दा कीता उद्घाटन। अरुण चौधरी ने कहा कि नगर कौंसल चोना चे 15 दिया 15 सीटां जीतेगी कांग्रेस। नगर कौंसल चोना नु लेके हर पार्टी दे उम्मीदवारां चे भारी उत्साह पाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी वालों भी इस बार कमेटी बनाने लई कमर कस ली गई है। उन्होंने कहा कि दीनानगर तो कांग्रेस दे उम्मीदवारां वालों भी दफ्तर खोले जा रहे हैं, जिसे चलते दीनानगर की वार्ड नंबर 10 तो चोन लड़ रहे डॉक्टर प्रदीप तुली वालों दफ्तर खोलिया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब की कैबिनेट मंत्री अरुण चौधरी वालों किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से गलबात करते हुए कैबिनेट मंत्री अरुण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों 15 दे 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है, जिन्हों के चोन दफ्तर के उद्घाटन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 10 नंबर वार्ड तो डॉक्टर तुली के दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि दीनानगर से कांग्रेस पार्टी 15 दिया 15 सीटा से जीत हासिल करके दीनानगर से कांग्रेस की कमेटी बनाएगी। पत्रकारों के सवालों के जवाब से कैबिनेट मंत्री अरुण चौधरी ने कहा कि जेकर कांग्रेस पार्टी का कोई भी वर्कर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चलता है तो उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीनियर कांग्रेसी आगू अशोक चौधरी, यूथ आगू अभिनव चौधरी, ब्लाक समिति के चेयरमैन हरविंदर सिंह पट्टी भी उन्होंने नाल सन। अपने उम्मीदवार का 10 नंबर वार्ड चो दफ्तर का उद्घाटन कर जा रहे हो, चोणों की शुरुआत कर जा रहे हो, की लग रहे तुम्हें? अज वार्ड नंबर 10 के साडे कांग्रेस के कैंडीडेट प्रदीप तुली उन्होंने अज दफ्तर का उद्घाटन उन्होंने किया, अज क्योंकि सारे ही पंजाब दे विच म्युनिसिपल कमेटी के इलैक्शन हो जा रहे हैं और इस करके थोड़ी सरगर्मियाँ जड़िया ने पोलिटिकल सरगर्मियाँ वो भी तेज़ हो गई ने। सो इस सिलसिले दे विच अज सारे वर्कर्स जिहड़े शहर दे ने इत्थे आए ने, सारे सीनियर लीडर्स भी साडे कांग्रेस इत्थे बैठे ने। सो असी सारे इकट्ठे हैं और मैनूं उम्मीद है कि इस वारी असी बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपनी कमेटी जिहड़ी आ बनावांगे और ताकि विकास दे कम्मां दे विच कोई कमी ना आवे, क्योंकि असी काफ़ी सारे ओपोजिशन की कमेटी होने के बावजूद उन्होंने वेले तो कोई खास काम नहीं होया, लेकिन हूँ जिवें कि साडा असी हमेशा ही विकास पक्षी रहे हैं और काफ़ी काम जड़े ने असी शुरू कराया, जिवें सीवरेज का काफ़ी देर का मसला असी लटक रहा, वो भी काम चल रहा। और मैं आस करती हाँ कि असी सारिया 15 दिया 15 सीट्स जीत के अपनी कमेटी बनावांगे और ताकि विकास के कामों की तेज़ी होर आ सके और अपने से दीनानगर के काम जड़े होर भी तेज़ी के नाल कंप्लीट कर सके। देखो एक बड़ा नैचुरल जिहा फिनोमेना है कि सारे किसी वार्डा दे विच दो दो तीन तीन कैंडीडेट्स होंदे ने, हुण सारे ही तो MC नहीं बन जाते और जिवें MLA दा इलैक्शन हुंदा है तो उत्थे भी 3-4 कैंडीडेट्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी च हुंदे ने, लेकिन टिकट तो एक जने नूं मिलनी है। ठीक है, उन्हां दा हक बनता, हर एक नूं राइट है अपनी गल कहन दा, बट जदों एक बारी फाइनल हो जाएगियां टिकटां, मैनूं नहीं लगता उहदे बाद कोई ऐसी गल होएगी। जब तक टिकट्स फाइनल नहीं होंदियां उदों तक हर कोई अपना अपना जिहड़ी अपनी गल है वो कर सकदा, कह सकदा, लेकिन साडी पार्टी जिहड़ी है कांग्रेस पार्टी दीनानगर दे विच सारे इकट्ठे हाँ, असी एक मुठा एकजुट हाँ और इकट्ठे होकर असी लड़ाई लड़नी है। और मैनूं लगता है कि जदों इलैक्शन टिकट्स जिहड़ियां फाइनल होने के बाद
कोई भी ऐसी कोई विरोधता ऐसी नहीं रहेगी, सारे इकट्ठे होकर सारे वार्ड असी बहुत ही वड्डे मार्जिन के नाल जिताएंगे। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਫੁੱਲੀ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਟਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹੰਗੂਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡਾ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ 5-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸਰੰਗਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।